हाय एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू TT360। तो बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। जैसा कि आप लोग पता है कि लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, इसमें मैं छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो उसी के क्रम में फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जिसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ 2-3, तो आप लोग जाकर उसको पहले देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और आज मैं बात करने वाला हूँ, छठा पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का बहुत ही अच्छे तरीके से सिंथेसिस किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो पार्लियामेंट, किस पार्लियामेंट से लिया गया है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट होता है, लगभग सारे डिसीजंस वो ले लेता है, और वहाँ की जुडिशरी जो होती है वो काफ़ी हद तक काफ़ी कमज़ोर होती है वहाँ की जुडिशरी। जबकि अगर बात किया जाए प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी की, यानी जुडिशरी जो होती है सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है कहीं की, तो वो होता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। यानी अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट जो बोल देता है वो फाइनल डिसीजन होता है एक तरीके से। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश सिस्टम से इस प्रकार से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि अगर ब्रिटिशर्स के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, यानी पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा सॉवरेनिटी है, पावरफुल है वहाँ का पार्लियामेंट। इस वजह से वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप काफ़ी कम रहता है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो पावर है वो अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है, अमेरिका का जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है उससे एक तरीके से नैरोवर है, यानी कमज़ोर है एक तरीके से। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है, जो हायर कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, उससे हमारा जो कोर्ट है वो काफ़ी हद तक मजबूत है, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसकी वजह ये है कि वो क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रोवाइड करता है, जबकि हमारा जो जुडिशरी है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को फॉलो करता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसमें ना केवल लॉ को ये देखा जाता है कि लॉ को अच्छे तरीके से लेजिस्लेचर ने पास किया है या नहीं किया है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, ये केवल नहीं देखेगा बल्कि ये भी देखेगा कि पास करते वक्त, यानी जो भी नियम कानून को पास किया गया वो जस्ट फेयर है या नहीं, जस्ट एंड फेयर है या नहीं, ये इसको भी देखेगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो प्रोविज़न दिया गया उसको वो फॉलो करता है या नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये मतलब है कि लेजिस्लेचर ने कोई नियम पास किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसके प्रोसीजर को देखेगा कि प्रोसीजर अच्छे से फॉलो हुआ है कि नहीं पास करते वक्त, यही नहीं, ये भी देखेगा कि वो जस्ट एंड फेयर है या नहीं, जो भी नियम कानून है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसका मतलब यह है कि नोबडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी को भी बिना सुने आप पनिश नहीं कर सकते हो, कोई भी इंसान अपने ही केस को जज नहीं कर सकता है, यानी कोई भी जज ऐसा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, कोई अपराध उसने किया, वो अपने अपने केस के अपना ही डिसीजन नहीं दे सकता है, कोई दूसरा जज आकर केस का डिसीजन देगा। थर्ड है, अथॉरिटी मस्ट एक्ट बोनाफाइड विथ गुड इंटेंशन एंड एक्ट विदाउट अ बायस, यानी जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो बिना बायसनेस के दिया जाएगा, गुड इंटेंशन के साथ दिया जाएगा, एक्ट को फॉलो करते हुए दिया जाएगा। ये लॉ जो आया था वो USA में आया था, इसका मेन काम जो है वो इंडिविजुअल का को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दोनों को मिलाने के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ क्या था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ में केवल ये देखा जाता है कि जो नियम कानून पास हुआ है वो सही तरीके से सही प्रोसीजर से फॉलो हुआ है या नहीं, और यही हमारे जो हमारा जो जुडिशरी है वो बस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को फॉलो करता है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। जबकि जो अमेरिकन जो कोर्ट है वो फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसलिए वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें आपको आगे के चैप्टर में मिलेंगी, आप लोग बस वीडियो को फॉलो करते रहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम फीचर्स की बात कर रहे थे, तो उसी के क्रम में मैं बता रहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट्री सिस्टम को और अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है दोनों को सही तरीके से, अमेरिकन जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी सुप्रीमेसी है दोनों को सही तरीके से ब्लेंड किया गया है। हमारा जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है अपने जुडिशियल रिव्यू से, उसके पास ये पावर है। जबकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पोर्शन को
अमेंड कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए 1973 के रूलिंग के हिसाब से। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, कि वीडियो की लेंथ में छोटी रख रहा हूँ ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा तक हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।